हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आई हूँ, डोंगरिया कोद जनजाति। ये चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो डोंगरिया कोद जनजाति ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में बताती हूँ। तो डोंगरिया कोद जनजाति में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, इसलिए यह कहें ज़्यादातर चर्चा में है। और कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने विशेष रूप से डोंगरिया कोंध जनजाति गांवों में डोर टू डोर सर्वेक्षण शुरू किया है। आपको यह जानकारी भी दे दूं कि डोंगरिया कोंध जनजाति COVID-19 की पहली लहर के दौरान बिल्कुल सुरक्षित, यानी जब COVID-19 की पहली लहर थी उस समय यह जनजाति कोरोना से बिल्कुल ही सुरक्षित थी। किसी भी तरीके का कोई भी कोरोना का केस वहाँ नहीं आया था। जब पोषण की कमी और एकांत जीवन शैली के कारण डोंगरिया कोंध जनजाति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, यह कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। अब जानेंगे कि डोंगरिया कोंध जनजाति के बारे में कि यह कैसी जनजाति है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो यह जनजाति भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक है। डोंगरिया कोंध जनजाति ओडिशा के रायगढ़ जिले की नियामगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। इस जनजाति के लोग कुई भाषा बोलते हैं। डोंगरिया कोंध पहाड़ियों में फैले हुए गांव में रहते हैं, यानी कहें कि डोंगरिया जनजाति जो है यह पहाड़ियों में फैले हुए जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें रहती हैं। इस जनजाति का मानना है कि नियामगिरी पहाड़ियों की ढलानों पर खेती करना उनका अधिकार है, जो इन्हें नियम राजा ने दिया है। ये लोग नियम को अपना शाही वंशज मानते हैं, या अपने आप को नियम का शाही वंशज मानते हैं। इन्हें जंगलों, पौधों और वन्य जीवों का विशेष ज्ञान है। डोंगरिया कोंध जंगलों से जंगली खाद्य पदार्थ जैसे जंगली आम, अनानास, कटहल और शहद इकट्ठा करते हैं। ये लोग दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भी करते हैं। डोंगरिया कोंध जनजाति में विशिष्ट आभूषण पहनने, टैटू बनाने और हेयर स्टाइल का प्रचलन है। डोंगरिया कोंध महिलाएँ अपने कानों में कई बालियाँ और नाक में 3 बालियाँ पहनती हैं, जबकि लड़के नाक में 2 बालियाँ पहनते हैं। डोंगरिया कोंध लड़कियां अपने बालों में क्लिप और गले में गोलाकार रिंग और मोती पहनती हैं। जानेंगे नियामगिरी पहाड़ी के बारे में। तो पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य में नियामगिरी पहाड़ी की श्रृंखला स्थित है। डोंगरिया कोंध हजारों वर्षों से नियामगिरी पहाड़ियों में रह रहे हैं। नियामगिरी घने जंगलों वाली पहाड़ियों, गहरी घाटियों और झरने वाली नदियों का क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये था नियामगिरी पहाड़ियों के बारे में और हमारी डोंगरिया कोंध जनजाति के बारे में। थैंक यू।